फिटनेस आज के समय में काफी जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि जिसके सिक्स पैक एप्स होते हैं वही फिट होता है। फिटनेस का मतलब होता है कि डेली रूटीन को वो, यानी कि वो काम जिन्हें करना शारीरिक रूप से अधिक चैलेंजिंग ना हो, वही फिटनेस है। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की। उनके सिक्स पैक एप्स नहीं है और ना ही वो कभी जिम गए हैं, लेकिन वे आज भी इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं जो काफी फिट हैं, वहीं वे स्टार्स अपने सीरियल या फिर रोल के मुताबिक अपनी फिजिक को भी बदलते रहते हैं। ऐसे ही एक टीवी स्टार, एक्टर, एंकर और प्रोड्यूसर का नाम है रवि दुबे। रवि दुबे को आप जमाई 2.0, जमाई 2.0 सीजन 2, मत्स्य कांड, सारे गा मापा, लिटिल चैंपस, तू आशिकी, राइजिंग स्टार 2, द ड्रामा कंपनी, खतरों के खिलाड़ी 8, बिग बॉस 10 जैसे कई सीरियल और वेब सीरीज में देख चुके हैं। वे कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। रवि दुबे काफी फिट हैं, उनकी फिटनेस काफी पसंद की जाती है और फैंस उनकी फिटनेस रिजीम को फॉलो भी करते हैं। इसलिए हाल ही में रवि दुबे से मीडिया ने बात की और उनसे जाना कि आखिर फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं। उन्होंने बात करते हुए, यानी कि मीडिया से बात करते हुए, फिटनेस और स्ट्रेस फ्री रहने के बारे में कुछ बातें बताई। मुझे लगता है कि रवि दुबे की वो बातें आपके काफ़ी काम आ सकती हैं और उनसे कोई भी फिटनेस के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिकवरी के लिए हेल्दी और हैवी डाइट लेना होता है, वहीं फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई थी उनकी, इस कारण मेरा वेट करीब 10 किलो बढ़ गया था। फिर जब मैं रिकवर हो गया उसके बाद मैंने एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो किया, जिससे मैंने एक महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया था। मैं रोजाना सुबह लगभग 10 किलोमीटर वॉक करने जाता था और वेट ट्रेनिंग भी करता था। मैंने वजन कम करने के लिए, क्योंकि मैं फिटनेस का महत्व समझता हूँ, बढ़े हुए वजन से कई शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन मैं हमेशा फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर रहा हूँ। वहीं शुरुआती दिनों में मेरे मन में सुसाइड के ख्यालात भी आए थे, लेकिन मैं उन ख्यालातों से लड़ा और आज मैं इस मुकाम पर आकर खड़ा हूँ। इंटरव्यू के जरिए जब रवि दुबे से उनकी फिटनेस को देखकर जब रवि दुबे से पूछा गया कि फिट रहने के बारे में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर वो क्या कहेंगे, उन्होंने बेसिक बातें बताई जिनसे फिट रहा जा सकता है। उनके मुताबिक भी फिटनेस का मतलब सिक्स पैक एप्स नहीं है, शरीर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो और कोई काम करने में परेशानी ना आए, यही रवि के लिए फिटनेस के असल मायने हैं। तो आइए जानते हैं कि रवि द्वारा बताए हुए टिप्स। रवि ने बताया कि अक्सर यंगस्ट टीवी स्टार्स या अन्य लोगों को देखकर क्विक ट्रांसफॉर्मेशन करना प्लान करते हैं और शुरुआत भी कर देते हैं। उन लोगों को बताना चाहूँगा कि क्विक ट्रांसफॉर्मेशन करने से बचना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैंने भी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, लेकिन मैं काफ़ी सालों से फिटनेस पर ध्यान देता आ रहा हूँ, तो मसल्स मेमोरी के कारण मुझे रिजल्ट जल्दी मिले। वहीं जो लोग सेलेब्स को देखकर क्विक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि स्टार्स के साथ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट और कहते हैं ना सर्टिफाइड ट्रेनर्स और एक्सपर्ट की माने तो पूरी टीम उनके साथ होती है। लोग उनकी रेख देख में ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अच्छे रिजल्ट मिलने में हमेशा समय लगता है, इसलिए कभी भी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश ना करें, बल्कि धीरे धीरे बॉडी की आवाज़ सुनते हुए फिटनेस जर्नी को शुरू करें। इससे आपको लंबे समय के लिए रिजल्ट मिलेंगे। रवि दुबे बताते हैं कि उन्होंने कहीं सुना था कि फिटनेस जिम में नहीं बल्कि किचन में बनती है। हमेशा इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दें। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इन सभी बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा डाइट को हेल्दी और क्लीन रखें। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर डाइट प्लान तैयार करें और उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, बात करते हैं अब रवि दुबे की फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। रवि ने बताया कि हमेशा फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट करना काफ़ी अच्छा रहता है, इससे डेली स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही एक्सरसाइज करें। जिम जाने के अलावा साइकिलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, रोप जंपिंग, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, योग आदि भी कर सकते हैं। बस किसी न किसी तरह अपने शरीर को मूव करने पर
मजबूर ज़रूर करना चाहिए। जब इंटरव्यू के ज़रिए रिपोर्टर उनके इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो भी वॉक करते हुए ही जवाब दे रहे थे। इस पर रवि ने कहा था कि आप मुझसे बात करते करते घूम रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे आपके स्टेप्स बढ़ रहे हैं जिससे काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। अधिक पानी पिए, रवि ने बताया कि पर्याप्त पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन में काफ़ी मदद मिलती है। कई लोग पानी पीने से बचते हैं जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। पानी पीने से विटामिन मिनरल्स को एब्सॉर्ब होने में मदद मिलती है। वहीं पानी पीने से शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फूड डाइजेशन में मदद होती है, टॉक्सिन्स शरीर के बाहर आते हैं, बॉडी के ज्वाइंट ठीक रहते हैं आदि। इसलिए हमेशा बॉडी को हाइड्रेट रखने और विभिन्न समस्याओं से बचने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। पर्याप्त रेस्ट करें, पर्याप्त रेस्ट करना शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे बॉडी रिलैक्स रहती है, मसल्स सोरनेस नहीं रहती, दिमाग अधिक फोकस कर पाता है, डाइजेशन सही रहता है, एक्टिव बने रहते हैं। और इसलिए 24 घंटे में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी काफ़ी ज़रूरी है। साथ साथ आपको बता देते हैं, जो जिम जाता है, मेहनत करता है, उसके साथ साथ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ साथ हर किसी को कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए करें योग। ये आपको बता देते हैं कि स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप कैसे योग कर सकते हैं। रवि से जब मीडिया ने बातचीत करते हुए पूछा, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हैं। इस पर रवि कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहना हर इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कोविड के कारण काफ़ी स्ट्रेस भरा माहौल हो गया है, इसके लिए इंसान को हमेशा पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं सबसे अच्छा योग को मानता हूँ। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योग ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ प्राकृतिक जगह पर घूमना, फैमिली से बात करना, उनके साथ रहना भी स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है। मेरे करियर की शुरुआत में भी ऐसा मौका आया था जब मैं सुसाइड तक करने वाला था, लेकिन मैंने योग, बुक्स और फैमिली के सहारे उन नेगेटिव थॉट्स को हरा दिया। बस हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बातों की ओर ध्यान ना दें, एक्टिव बने रहें, खूब मेहनत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इसी के साथ आज बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, ये थे एक्टर रवि दुबे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ हमारे साथ शेयर किया, यानी कि आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आपको भी रवि के इन टिप्स और जर्नी से कुछ सीख मिलती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्थ संबंधित ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।